आप तमाम पार्टियों में माताएं बहने और युवा क्रांतिकारी साथियों का मैं संतोष कुमार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ आप लोगों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं भी पेश करता हूं। थोड़ा सा लगातार कुछ सब देश जो कि कई ऐसे गांधियां हैं जो काफी देर से आए हुए हैं, जैसे भाई हैं काफी देर से आए हुए हैं, जाना है और दूर दूर जाना है, लेट हुए देर हुए, इसलिए चाहते हैं कि जो संदेश हम संक्षेप में देना चाहते हैं उन्हें आप सब को एक विशेष आमंत्रण भी देने हमें यहां आए। आप सभी दिल्ली के लोग ही मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किए, हमें हमको आमंत्रण मिला कैसे कैसे और तब हम पहुंचे और आप तमाम लोगों ने आज के इस कार्यक्रम को हिट ही नहीं सुपर हिट बनाया है। आपने हमें आमंत्रित किया, हमने आपका आमंत्रण स्वीकार किया, तो क्या आप भी हमारा आमंत्रण करेंगे? आगामी 3 मई को क्या है? परशुराम भंसा जयंती और परशुराम जयंती की जानकारी का होगी। अक्षय तृतीया और उस दिन भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई जाएगी। विगत 7 नवंबर 2019 को हम लोगों ने पटना के गांधी मैदान में एक ऐतिहासिक सम्मेलन किया था और उस सम्मेलन को दिल्ली के भाइयों के सहयोग से ही सफल बनाया गया था। यहां से लोग छुट्टी ले लेकर पटना के गांधी मैदान में पहुंचे थे और जिन्हें छुट्टी नहीं मिली थी, लाख कोशिश के बावजूद वो अपने भाई को, बेटा को, चाचा को, दोस्त के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करके गाड़ी से अपने गांव से लोगों को गांधी मैदान भेजे थे, तब जाकर उनका सफल। बीच में कोविड के कारण कोरोना काल की वजह से 2 वर्षों तक उस तरह के उस स्तर का कोई बड़ा कार्यक्रम का आयोजन नहीं हुआ। लोगों की इच्छा नहीं, हमारी भी इच्छा नहीं, तो अब स्थिति सामान्य होने, तो पुनः एक बार